वह लड़का को फोटो मिला रहे हैं। अच्छा, जब साझा में साझ मिलता होगा उन्होंने कह रहे बच्चों हो तो जो बालक या लड़का को जो फोटो मिल रहा हुआ तो ग्वार बदीन थी पूछा भैया जो बाल का खिनक हुआ है। अरे साहब जो तो शहर को राखो हरे सजा दे चारो कहा कैसा है नरे हमारा क्या क्या हुआ गाम गोरे गे रे भैया रो कैया है रई नाम में नाती चांद राजा को हरे दादिया को हम कैया गंगोला दे नाम देवी ब्राह्मण हो जाता है।
कचहरी चांद राजा जी भारी अलग रे दरबार तोरा सी अपो भैया मूला मूला कसला तक दवते करिया नवासे सनवाए दवाए सारो बैठक बैगो दोनों के अवल लाए आगर भाए रे जी कहते आए कहाँ को जाए रे बोले हाता जी जिया लागे बताए दियो हाल रे सुनिया नामरी सर गोराजी राजन आए कुमार बार चिठिया जाए सर लोहा दे अरे नारुवन तब चिठिया दाइए पका राए रे महाराज लोहते राजा ने चिट्ठी और लड़की की शादी की भेजी है। हम चिट्ठी को पढ़ ले और सिक्का को चढ़ा ले आप गए यहाँ को और दोनों जने जो हम तुम्हारे यहाँ को आए हैं बहुत जाप का दे जय माए को और चिट्ठी भी पढ़ रहा हुआ है तो राजा मोझल में मुस्काए रहा हुआ है। चांदा से राजा मोछनो में मुसिका ऐसी सगाई आयो लो नए आई अरे बेटा को रच ले लोहा गा दे ब्याह रे मोरा को जे माले खेलो चिठिया में रुपया लिख रहे पचासी लाख रे बाहर का पाला क्या करो अरे राजा
बिठिया रहुआ बचा पाए रे फूला रे तुम्हारे नाउला माला तेल है के झूड़ियो नंदा लाल रे लिख रही है लड़ाई बार सवार बेटा को रचने बाबा तेरे में ब्याह रे लेखे बरोना मारे पर लेखे लाई समझी आएगी बेटा रे चहवाईया नाम भेट पाओ नारी आवाज मोरा ढाते जाए रे नीचे को दबो नीचे रह गो राजा को ऊपर ले गए राम ताए रे सो ब्याओ भाला नहींयो हरे पोरे हाथा जी ऐसी बहुआ भाला में जाए रे लिखे रही बेटा खास समाधि आएगी नातिया को आवा तेरा मेरा चांगो ब्याह रे खटिया तुम्हारा चलो जाया गे दे सजा दे तेरो सवारो घेला गो नाए रे कोई तिहरा बुलावाए लो बिजैया बुलावाए लो राजा ने अब चिठिया दाइया दे खाए रे अब धीरती राजा जब चिट्ठी को पांच गो तो नारी मुद्दा पे लोग और भी हट जाते हैं भूलने के बहन जो 12 साल लड़ाई लड़ेंगे और 13 में बेटा को ब्याह करेंगे तो ब्याह बाहर में जाता थे भैया अरे काउ करी लड़ा की देख के लड़की और भामरे डाल जावेंगे लोहागढ़ की तो बहुत बेड़ी मार है और साहब धीर सिंह राजा और नाव ब्राह्मण से कह दे तो भैया तुम अंत चढ़ाए दियो
जिया कुमारा चलो जा द्वारे से हरे लोहा गाड़ा को हम सवारो झेला गो नहाए रे बोलो आए गई नारे रतनो जी हरे सहजना ते अब दे रही है टका से भावरे चलाए को मैं जानी तलवा लोया गड़ की अबरे भारत वाला मेरो भैया लड़े जाए गो या प्यारे मेरी बाबा जाना चाहिए ब्याह रे अरे खुश हमारे आदमी को ना खुल के बोला दे तो बता दे तो आ रहा है गुनगी आवाज मिल दे रही है तो गए नीचे उठ भी जाता है कहो रतनो जी क्या कह रही है पति से रोज हरैया ना चलमंगी ना रोज कलंगी जाओ अरे सिक्का चढ़ा लो सहजादे को 12 साल तो मेरे भैया लड़ जाएगो और 13 में मेरी ब्याह भवज रच लेगी समझ दे हाँ की अरे प्रधान तो नहीं चिट्ठी की माल बिना है 60 मोहर को जयमाल लिख रहे हो रुपया 50,000 लिख रहे हैं फिलहाल 30-10 परौना लिख रहे हैं हाथ समझी की भेंट मरे पे लिख रही है पटाखी रान है जाओगी तो चिड़िया जात अकल की ओछी होती है सोची समझी के सुना नहीं जी महाराज सिक्का अब करे वो तो बेरा जी के और रानी रतनो जी ने और सिक्का के दिन जो चढ़ा लेती है सिक्का चढ़ा के और जो कुछ उन पर खातर को आ रही उनकी भाई तो करी और 5-5 हज़ार की विदा हमें दे के ना ब्राह्मण को विदा देते ना ब्राह्मण वहां से चले जाते हैं जब लोहागढ़ में पहुंचते हैं तो राजा लोहिया आप कैसे देख रहे हो नव ब्राह्मण आए पहुंचते रह गए कैसे देख रहे हो वाह कठिया कौन तैयार पर हो लोगों तो जब सिक्का चढ़ाए आए फिर उन्होंने चले पाए हुआ तब जाके कही द्वा बंदगी भाई तो जो है का राजा पूछ रहा उन्होंने भैया वो बात है सिक्का कहाँ चढ़ाया है उन्होंने जी महाराज शहर गोरा में और राजा चाणक यहाँ सिक्का चढ़ाया है फिर बात एक ऐसी है मर्दन के मुकाबले पे और तरवार जो औरत ने पकड़ी है वह तो नारी मुर्दा थे सब जारी है उन्होंने की सदर तो बरात आवे ना हुआ उन्होंने जा कुदरत जान है
बढ़ाओ बढ़ाओ बढ़ाओ, अरे बढ़ाओ सही बढ़ाओ। नौ ब्राह्मण हाँ और नौ ब्राह्मण और राजा की सभा में जाके कह जाता है और राजा और लोहान पूजन लगो भैया कैस कैस सीधे चढ़ाया है और नौ ब्राह्मण और राजा से कहने लगे साहब क्या कहने लगे क्या कह रहे हैं का